सिनेमा जगत में ऐसे कई पॉपुलर एक्टर हैं जो अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर उन एक्टर्स के बारे में जिन्होंने 90 के दशक में अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए आप सभी को दीवाना बना दिया। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं आज की इस खास रिपोर्ट में 90 के दशक के पॉपुलर एक्टर हरीश कुमार के बारे में, जिन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी बॉक्स ऑफिस पर और अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हरीश कुमार, जिन्होंने बॉलीवुड में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन वही 90 के दशक में इनकी बॉलीवुड में पहली फिल्म थी प्रेम कैदी, और इस फिल्म में करिश्मा कपूर के साथ नजर आए थे। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट भी रही थी। लेकिन वही दूसरी ओर अगर बात की जाए उनके फिल्मी करियर के बारे में, तो हरीश कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी काफ़ी पसंद किए गए थे और हरीश ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी। इतना ही नहीं, हरीश की दमदार एक्टिंग को इतना पसंद किया गया था कि फिल्म आंध्र केसरी के लिए उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनटी रामाराव ने अवार्ड से सम्मानित भी किया था। और इसके अलावा उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। जहां एक ओर सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे थे हरीश कुमार, तो वहीं एक वक्त ऐसा भी आया कि लाइमलाइट से दूर होते हुए भी नजर आए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरीश कुमार ने 15 साल की उम्र में ही लीड किरदार निभाना शुरू कर दिए थे। उनकी फिल्म तेलुगु प्रेम कैदी इतनी हिट रही थी कि इसी फिल्म को बॉलीवुड में हिंदी में इसी नाम से ही बनाया गया और उनके अपोजिट नजर आई करिश्मा कपूर। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हिंदी फिल्मों के अलावा हरीश कुमार ने मलयालम फिल्मों में भी काम किया और इसके अलावा कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी। जहां एक ओर तेलुगु फिल्मों में काम किया, मलयालम में काम किया, तो वहीं उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी एक अलग धाक जमा ली थी। लीड रोल में इतने मशहूर हुए तो वहीं गोविंदा के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन साइड रोल में भी उन्हें देखा गया। आगे चलकर हुआ कुछ ऐसा कि उनकी किस्मत ही पलट गई और धीरे धीरे उन्हें सपोर्टिंग रोल भी मिलने लगे। धीरे धीरे उनका स्टारडम ढलने लगा था। फिर आई साल 2001 में फिल्म इंतकाम, और फिर साल 2001 में उनकी फिल्म आई इंतकाम, जहां एक और चॉकलेटी बॉय के तौर पर गिने जाते थे हरीश कुमार, तो वहीं धीरे धीरे उनका स्टारडम खत्म होने लगा था। उनका लुक काफ़ी बदल गया था। दरअसल आपको बता दें कि एक दौर ऐसा भी आ गया जब हरीश कुमार काफ़ी हेल्दी दिखने लगे थे और उनका लुक पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। इसके अलावा उन्होंने साल 2011 में फिर से बॉलीवुड में कमबैक किया, लेकिन कामयाबी उनके हाथ नहीं लगी। जिस तरीके से हिंदी फिल्मों में वो स्टार बन गए थे, तो वहीं साल 2012 तक फिल्मों में छोटे मोटे किरदार करते हुए भी नजर आए, और इस तरीके से हरीश कुमार लाइमलाइट से धीरे धीरे दूर होते हुए भी दिखने लगे। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।